तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल में देखो कि कहा जाता है कि विच ऑफ द अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट यहाँ दिया हुआ है, तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट है। देखो जब कभी भी दो मैग्नेटिक मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है एम वन है और ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से एम टू है, को इंसिडेंट यहाँ एम वन एम टू बराबर है क्योंकि दो आइडेंटिकल मैग्नेट हैं, तो आइडेंटिकल मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट एम है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो एम एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस यहाँ से 2m और m यहाँ से इनके बीच का एंगल cos थीटा, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कब होगा, ये जो चीज है वो मैक्सिमम कब होगा, तो ये तब मैक्सिमम होगा जब cos थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो पर होगा, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो पर cos मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे थीटा जीरो है नहीं, यहाँ पे थीटा दो वेक्टर के बीच 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ एक इधर है और एक इधर है, यहाँ पर एक साउथ से नॉर्थ एक इधर है, थीटा यहाँ कितना है 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर थीटा कितना है साउथ से नॉर्थ इधर और साउथ से नॉर्थ यहाँ पर थीटा 60 डिग्री है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर थीटा कितना है 30 डिग्री, तो जो जीरो के जीरो तो है नहीं, तो अब तीनों में से देखो जो एंगल मिनिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे जो कि मिनिमम वैल्यू है, तो जो जब कॉस की जो मिनिमम थीटा जब 30 होगा मिनिमम सभी में से, उस समय कॉस थीटा की क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उस टाइम नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, समझ में आया। क्योंकि यहाँ देखो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है और 180 डिग्री है, ठीक है, और अगर 0 डिग्री रहता तो 0 मैक्सिमम होता, लेकिन 30 पे कॉस मैक्सिमम होगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नहीं तो आपको अगर गधा मजदूरी करना है तो सब पे वैल्यू निकाल के रख के निकाल सकते हो और वैसे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।